आपको बता दें, मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के विजयगढ़ रोड स्थित गांव बिझारी के पास डेयरी के पीछे झाड़ियों में एक 43 वर्षीय व्यक्ति का क्षति विक्षत शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर तमाम ग्रामीण एवं क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव की शिनाख्त अजयवीर उर्फ अजमेरा निवासी गांव बिझारी के रूप में की गई। शिनाख्त होने के बाद थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भाई ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली में अपने ही गांव के 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में मृतक के भाई सुरेश पुत्र बदन सिंह ने कहा कि मंगलवार की रात में किसी का फोन आया था, इसके बाद रात में ही अजयवीर घर से बाहर निकल गया। बताते हैं कि बुधवार की सुबह अजयवीर का शव गांव के निकट नाले के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। वहीं मृतक के भाई सुरेश ने गांव के ही शिवजी, लवली और राहुल पुत्रगण अशोक के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, सासरी कोतवाली क्षेत्र में विजयगढ़ रोड पर एक शव मिला है, क्या है पूरी घटना का? मिला हुआ है, जिसकी जो है शनाख्त जो है अजय वीरा के नाम से हुई है और ये बिजहारी के रहने वाले हैं और इनके परिवार वालों ने 3 के खिलाफ तहरीर दिया, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। तो अभी वो पंजीकृत हो गया सर? अभी वो पंजीकृत कर दिया गया 3 लोगों का। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आपका भुवनेश कुमार ये मृतक कौन है जिनकी हत्या हुई है? साथ ही अच्छा, क्या वजह रही, किन लोगों ने हत्या की है? हत्या क्या वजह है, घर पे थे ये, रात को जो बुला कर लेके गए हैं गांव के लोग हैं वे, जिनका नाम शिवजी बताया जा रहा है। जो चाची है मेरी वो खुद बता रही है कि वो लेके गया है, लेकिन मैं नहीं था, मेरे सामने की बात नहीं है। चाची खुद बोल रही है सबके सामने कि शिवजी लेके गया था और उसका भाई भी था जिसका नाम राहुल है, और इनके पास पैसे थे, लगा लो करीबन पैसे थे इनके पास 50-60 हजार रुपये, जिसमें से वो 15 हजार रुपये घर पे दे कर गए हैं, और फिर वो चाची मना कर रही थी, उनसे लड़ झगड़ के ये चले गए और उनके साथ कि आ जाओ प्रधान जी, जो वहाँ हो रहा है गेम हो रहा है अच्छा तगड़ा, और के वहाँ चल रहे हैं जुआ खेलने के बहाने नाम से लेकर गए इनको। फिर आप लोगों को जानकारी कैसे हुई कि इनका सब वहाँ पड़ा हुआ है? सब पड़ा हुआ है कि घर वाले तो हमारे कई हैं परिवार में, चाहताऊ काफी हैं और मतलब भाई भी हैं, चाहताऊ के लड़के वगैरह काफी हैं, तो कोई वहाँ पे गया होगा, उसने देखा कि ये तो चाचा जी हैं ये, तो फिर उन्होंने फोन किया तो सर तो था नहीं उनका, सर तो पहचान में आ नहीं रहा था, तो उन्होंने घर पे कॉल की, फिर उनके कपड़े द्वारा पहचान की गई है।